इसके साथ साथ ही अगर वो रिएक्शन फॉर्मेशन यूज़ करता है और उस ट्रामा को ओवरकम करने की कोशिश करता है तो इट मे पॉसिबल कि उसके अंदर हाइपोमेनिया या मीनिया के फीचर्स जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं तो ट्रामा जो है वो देखने में आया है कि मोस्टली जो अन डेथ्स हैं या लॉस ऑफ फाइनेंस है उसकी वजह से कभी कभार जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो डेवलप हो सकता है इट ऑल डिपेंड कि कोई भी शख्स जो है वो ट्रॉमा की तरफ किस तरह रिएक्ट करता है आपने अक्सर डिसऑर्डर के अंदर आ, मुझे ये ट्रॉमा का वर्ड यूज़ करते हुए सुना होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ट्रॉमा जो है वो ये सारे डिसऑर्डर जो है वो डेवलप कर सकता है नो इट इज़ नॉट लाइक दैट इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि ये एक कॉज हो सकता है अगर किसी भी किस्म का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी शख्स के अंदर रिफ्लैक्ट हो रहा है ठीक है देन स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स अगर एकेडमिकली बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ेस कर रहा है उसके स्कूल के अंदर ऐसा इन्वामेंट है जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस कर रहा है वो स्कूल के अंदर बुलिंग को फ़ेस कर रहा है ये वो चीज़ें हैं जो बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं बच्चे के लिए तो अगर ऐसी चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहा है या वो अपने ऐसे देख रहा है कि जो उसके पेरेंट्स हैं उनकी डाइवोर्स हो रही है या हो गई है या बहुत बार बार उसका जो घर है वो उसको मूव कर रहा है तो इस तरह के जो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हैं ये भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर बन सकते हैं और ये कॉज कर सकते हैं बायपोलर डिसऑर्डर यूजुअली वो बच्चे जो रिजिलियंट होते हैं सम टाइम फॉर द टाइम बीइंग वो उन चीज़ों को ओवरकम कर लेते हैं लेकिन इट मे पॉसिबल कि अगर बायोलॉजिकल uh, कॉजिस भी हैं उनकी फैमिली के अंदर और कुछ इन्वायरमेंट भी ऐसा मिल गया है जो कि स्ट्रेसफुल है तो चांस हैं कि ये ऑनसेट जो है बाइपोलर डिसऑर्डर का हो सकता है इसी तरह अगर आ, पेरेंट जो हैं वो मेंटली इल हैं या वो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं किसी किस्म का तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि बच्चे के अंदर मूड डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो जाए इट कैन बी डिवेलप बिकॉज क्योंकि जब उन्होंने सब्सटेंस यूज़ किया होता है या अगर पेरेंट्स को ख़ुद बायोपोलर डिसऑर्डर है तो एक तो बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा मॉडलिंग का कि बच्चा जो बिहेवियर देख रहा है इट मे पॉसिबल कि वो उसे इंटरनालाइज कर ले सेकेंडली ये भी मुमकिन है कि जेनेटिक प्रडिसपोजीशन मौजूद है जिसकी वजह से बच्चे को जो प्रॉब्लम हुआ है वो बायपोलर डिसऑर्डर का हो सकता है इसके साथ साथ हार्श और एब्यूसिव पेरेंटिंग जो है चूंकि बच्चे के साथ सिक्योर अटैचमेंट पेरेंट्स की नहीं हुई होती और वो हार्श और एब्यूसिव पेरेंटिंग को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है और टू सम हाउ कभी कभार बच्चे उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी जो है उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं या क्रिटिसिज्म से बचने के लिए कुछ ऐसे बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं जिसके थ्रू दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स बेटर तो वो जो सारा ट्रॉमा जब इकट्ठा हो जाता है और वो जो उनकी एक मेथड ऑफ ओवरकमिंग द क्रिटिसिज्म एंड एव्यूसि पेरेंटिंग uh, होता है तो उसकी वजह से भी समाइम जो है वो मूड के प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं और मूड स्विंग्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं सर्टेन टाइम पेरेंट्स की कम्युनिकेशन जो होती है वो बच्चों के साथ डायरेक्ट नहीं होती ओपन नहीं होती जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो अपसेट हो जाते हैं एंड दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स इसके साथ साथ अगर हम ये बात करें कि हार्श और एब्यूसिव पेरेंटिंग की जिस तरह हम बात करें तो दैट्स मीन कि बच्चे ने फिजिकल एब्यूज़ को जो है हो सकता है वो उसने फेस किया हो जिसकी वजह से भी बायोपोलर uh, डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच आर साइकोलॉजिकल इन नेचर एंड विच मे कॉज द बायपोलर डिसऑर्डर। थैंक यू